कैसा हो रहा है? थकान नहीं लगी है मेरे को, कोई मिल गया। भंडार लास्ट गांव तो है, लेकिन यहाँ ना बिजली बिजली कुछ नहीं है। तो अभी लगभग बैग पैक हो गया है, देख सकते हो। इसमें अभी सामान रखना है ऊपर से, और यहाँ पर हो रहा है पावर बैंक अभी चार्ज। तो देखते हैं कब तक वो चार्ज होता है, और फिर हमें निकलना भी है जल्दी यहाँ से ट्रैक के लिए। तो अभी सामान तो हमने कलेक्ट कर दिया है, अब हमें जाना है यहाँ से आगे की तरफ, और आज मौसम भी थोड़ा बहुत ठीक है। तो फाइनली बैग पैक हो गया। पीछे देखो, दो बंदे पीछे आ रहे हैं और दो बंदे आगे जा रहे हैं। तो बस, और आज का जो प्लान बनाया हमारा, वो बनाया हमारा यहाँ से मधमेश्वर जाने का। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, पहले तो सामान भी ठीक ठाक है, तो देखते हैं क्या होता है। और आज थोड़ा बहुत मौसम ने भी साथ दे दिया हमारा, मतलब ट्रेकिंग करने के लिए, तो ये चीज़ सही है। अभी लगभग मौसम भी ऐसा हो गया है कि सुबह बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। तो आज भोलेनाथ की कृपा भी हो गई कि भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं, तो ठीक ठाक हो गया सीन। तो देखो आगे भी देखो, इतना बड़ा गधेरा आ रहा है ना। तो आजकल बरसात में ट्रेवल करना वैसे तो ऐसा है कि भाई बेकार ही होता है, क्योंकि जगह जगह गधेरे भी आते हैं, तो संभल के चलना है। सबसे मेन बात तो ये है, संभल के चलना है इधर उधर। और आगे पे देखिए, हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल और एक और नई वीडियो में, इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरा गांव छूट गया है ठीक पीछे। तो आज का जो प्लान है हमारा, वो है यहाँ से मधमेश्वर जाने का। तो देख सकते हो पूरा ट्रैकिंग गेटअप, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पर देख सकते हो अंशु है, कोल पहाड़ी है, और अपने चाचा जी डियर पहाड़ी, तो ये भी आए हुए हैं। देख सकते हो ट्रेवल पहाड़ी हो गया, और एक ब्लॉगर आगे पे। तो देख सकते हो पूरे गैंग आज जाएगी मधमेश्वर, तो आपको रास्ते का अपडेट तो देते रहेंगे। तो अब रांची भी ठीक पीछे छूटने वाला है, इसके बाद ये आखिरी सीन दिखता है रांची का। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा ना, पहले के टाइम पे यहाँ पे एक दुकान थी छोटी सी, तो ये देख सकते हो, और यहाँ का नाम है अक्तोली धार। तो अक्तोली धार से डायरेक्ट, अब मतलब ये है कि यहाँ पर तक तो गाड़ी आ जाती है अक्तोली धार तक, आगे पर तक, और यहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू हो जाती है मधमेश्वर के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक पीछे देख सकते हो, अब तो रांची छूट गया, और अब मधमेश्वर की पैदल यात्रा जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वैसे हम तो वहीं से पैदल आए, लेकिन गाड़ी आप यहाँ भी लगा सकते हो आगे पे, अब थोड़ी धार पे, और यहाँ से अब मधमेश्वर डायरेक्ट। और यहाँ पर से जो आगे का गांव दिखाई दे रहा है ना, वो है गोंडार विलेज, जो कि मधमेश्वर वैली का आखिरी विलेज है आगे पे। और ये देखो कुछ लोग आगे जा रहे हैं और एक पीछे से आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी घुड़ी यहीं पर खड़ी होती है। और ठीक पीछे जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर तक, तो यहाँ पर तक आती है गाड़ी, और इसके बाद यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है मधमेश्वर के लिए। तो बस ये है, और अब चलते हैं। तो हम लोग भी ट्रैक पर जा रहे हैं, और वैसे ही मौसम साफ हो रहा है, मतलब लगा लो आपकी लगभग 3-4 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी, और आज मतलब मौसम साफ हुआ है, धूप लगना शुरू हुई है, मतलब धूप हुआ है। थोड़ा नीचे की साइड देखोगे ना, तो नीचे की साइड मौसम भी थोड़ा बहुत खुला हुआ है। अभी मेरे साथ है, देख सकते हो अंशुल लेगी, और साथ में और लोग तो पीछे से आ ही रहे हैं। और आपको ना आगे का एक झरना दिखाता हूँ मैं, इतना प्यारा झरना आ रहा है ना, उधर से नहीं दिखाई देता हमारे गाँव से, लेकिन यहाँ से ना बहुत साफ दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है आपको? मन को ऐसा लग रहा है कि मधमेश्वर कब आए, कब हम मधमेश्वर पहुंचे। हाँ चलो बढ़िया, अब पहुंच ही जाएंगे यार। तो फिर से जंगल वाले एरिया में आ गए हैं, यहाँ देख सकते हो ठीक पीछे ये पूरे चीड़ के पेड़ हो गया, और ये तो जैसे ही ना जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे जोंक लगना भी शुरू हो जाती है।
यहाँ देख सकते हो पूरे पैरों पे झोंक लग जाती है, अपने आप मतलब लगा लो आपकी जूतों में आ जाते हैं ऊपर और सीधे खून निकाल देते हैं, जगह जगह खून ही खून हो जाता है पूरा पैर। तो अभी एक छोटा सा रेस्ट लिया है सबने, यहाँ पे देखो चेंज वेंज कर रहे हैं या जिसका थोड़ा बहुत ना रस्सी रुस्सी से थोड़ा बहुत ढंग से बांध रहे हैं बैग को, ये स्लीपिंग स्लीपिंग निकल गए थे तो वो अभी रस्सी से लगा रहे हैं आगे पे। और लगभग मतलब गोंडार अब यहाँ से लगा लो आपकी मतलब जितना हम आए ना रांची से यहाँ तक उतना ही और होगा, मतलब ठीक आधा गोंडार तक बचा है। मधमेश्वर वैली का लास्ट विलेज में अभी जहाँ पहुँचने वाले हम, तो ये है फिलहाल और इस जगह का नाम हुआ भीमसी। और आगे पे ना एक प्यारा सा पुल है और ऊपर से ना अच्छा खासा वाटरफॉल होता है आगे पे, तो अब वो भी दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भीमसी, इस जगह का नाम हुआ भीमसी और यहाँ पे एक प्यारा सा वाटरफॉल है, तो बड़ा वाटरफॉल है, आजकल तो पानी भी आ गया तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। वाओ ये देखो तो ठीक पीछे आपने वाटरफॉल देखा, तो भीमसी वाला वाटरफॉल भी क्रॉस कर दिया हमने, प्यारा सा वाटरफॉल आता है वहाँ पे, तो वो कंप्लीट हो गया। और अब आगे आता है एक मंदिर जिस मंदिर का नाम है देवदार, तो अब वहाँ पे जाना है। और ठीक पीछे देखो तो ये वाला जो भीमसी वाला गदेरा है ना, लगा लो आपके आजकल ये नदी जितना बड़ा हो गया है, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला पानी आता है यहाँ बरसात में, सिर्फ ये बरसाती के टाइम पे होता है, मतलब और टाइम पे आप लगा लो कि बहुत ही कम पानी आता है यहाँ, और आजकल इतना खतरनाक पानी आता है ना। तो हमारे ठीक पीछे पे था वो छोटा सा घर टाइप का देखा होगा आपने, तो वो पुराने टाइम पे होते थे कि मतलब एक पत्थर के नीचे मतलब पत्थर पुत्थर से थोड़ा बहुत अच्छा बना दिया घर की तरह और वहीं रहते थे लोग। लेकिन अब जैसे साधन भी अच्छा है तो लोगों के पास अच्छे घर भी हो गए, तो अब आगे पर रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे जो लाए थे हम लोग, और फिर गोंडार तक चला भैया। फाइनली हम पहुंच गए हैं देवदार मंदिर, और यहाँ से गोंडार देखो आप इतना है, और मधमेश्वर है यहाँ से 11 किलोमीटर और ये ठीक सामने है देवी माता का मंदिर, और यहाँ से ना डायरेक्ट गोंडार दिखाई दे रहा है आगे। गोंडार लास्ट गांव तो है, लेकिन यहाँ बिजली बिजली कुछ नहीं है, मतलब एक टाइम पे पावर हाउस था यहाँ, लेकिन अब ना वो भी मतलब पानी के साथ ही वो बह जाता है, मतलब इतना खतरनाक पानी आता है कि वो बह जाता है। तो अब देखो सीधे मतलब रांची से यहाँ के लिए लाइट की व्यवस्था हो रही है, यहाँ देखो पोल आ गए हैं, तार तूर आ गए हैं, तो ये सीन है। तो फाइनली देवीदार पहुंच गए हैं, पीछे देख सकते हो देवी माता का मंदिर, और एक लड़का गया है आगे पानी के लिए, क्योंकि पीछे की साइड पानी है अब डायरेक्ट, तो एक पानी के लिए गया है और लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि घर से तो भैया ऐसे आ गए थे कि सामान पैक करने में और मतलब सामान समेटने में बहुत टाइम लग गया था, तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में ही मतलब खाना ले जाया जाए, दिन का भी खाना मतलब घर ही से ले गए हम लोग, और अभी सुबह का नाश्ता तो लाए, तो साथ साथ दोनों चीज लाए हम, और थोड़ा देवी माता को अर्पण करेंगे यहाँ पे थोड़ा भोग, और फिर अपना खाना खाएंगे
और फिर यहाँ से आगे का ट्रेक स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे नाश्ते का सामान रोटी रोटी और यहाँ पे चटनी और ये है यहाँ पे बैंगन का भरता। यहाँ पे हम चाय भी लाए तो यहाँ पे चाय भी है और पानी भी आ गया है। तो फाइनली नाश्ता हो गया सब लोगों का, ये देखो फुल एनर्जी सब लोगों का। और अब यहाँ से फिर से ट्रेक स्टार्ट मधुमेश्वर के लिए। और अब तो गोंडार यहीं पर है तो अब मधुमेश्वर वैली के लास्ट गांव में पहुँचने वाले हैं हम। तो अब गोंडार से बस एक स्टेप दूर है हम। और ठीक है भाई, कैसा हो रहा है फिर? भाई थकान नहीं लगी है मेरे को, कोई मिल गया बातें कर रहा था। तो अब आगे मिलते हैं आपको। तो फाइनली अब शुरू हो जाती है यहाँ पर से गोंडार वैली और ये आखिरी गांव है मधुमेश्वर वैली का। और यहाँ पर से ना आगे पे चार्ट लगा रखा है तो यहाँ पर देख सकते हो बंटोली है, खटरा, फिर नानो, फिर मधुमेश्वर और ये अकोली धार आगे के लिए। और यहाँ से ठीक देखो यहाँ पर नीचे में मंदिर और यहाँ से शुरू हो जाता है गोंडार वैली मधुमेश्वर। देखो नमस्ते बोजी, प्रणाम, ठीक ठाक हाँ ना बचाना ठीक ठीक ठाक चाहिए। तो ये है छोटा सा मधुमेश्वर वैली का आखिरी गांव गोंडार। और यहाँ देखो लोग घास घूस लेके आ रहे हैं अभी जंगल से। प्रणाम,